नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम ऐसे होम्योपैथिक टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। हमारे होम्योपैथिक के पायोनियर डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपनी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में इस मेडिसिन के बारे में एक बात लिखी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इट्स अ रिमार्केबल होम्योपैथिक मेडिसिन एज ए करेक्टर ऑफ ब्लड डिस्क्रेजिया। मीन्स ये किसी भी तरह के ब्लड डिसऑर्डर को, उसके टॉक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं इस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में और इसका हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस मेडिसिन का नाम है एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया और यह मेडिसिन पर्पल कोन फ्लावर से बनती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह की किन्हीं भी कारणों से यदि ब्लड की पॉइजनिंग हो गई है, कोई सेप्टिक कंडीशन हो गई है, तो इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है। जैसे कि कभी कभी रिकरेंट बॉयल हो जाते हैं, बार बार शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब ब्लड की पॉइजनिंग हो गई है, तब इस मेडिसिन को यदि हम यूज़ करते हैं तो ना तो बॉयल बार बार रिकरेंट होते हैं और जो बॉयल हो गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और एक और कंडीशन में यह मेडिसिन अच्छा काम करती है, यदि किसी कीड़े के काटने के कारण शरीर में, स्किन में इरिटेशन हो रहा है, खुजली हो रही है, छाले हो गए हैं, तब भी इस मेडिसिन का अच्छा रोल है। और यदि किसी पौधे के, किसी टॉक्सिक या मतलब कोई जहरीले पौधे को टच करने से भी यदि रेशेस हो गए हैं, छाले हो गए हैं, इचिंग हो गई है, तब भी इस मेडिसिन को हम दे सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस मेडिसिन को हम गैंग्रीन के केस में भी दे सकते हैं, जब किन्हीं भी कारणों से, या तो इंजरी के कारण या फिर डायबिटीज़ के कारण ब्लड का फ्लो, किसी हमारे शरीर के किसी हिस्से का यदि ब्लड का फ्लो रुक जाता है और वहाँ गैंग्रीन हो जाता है, तब भी एचिनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। यदि शरीर के किसी हिस्से में या शरीर के सारे हिस्सों के लिम्फ नोड्स में यदि सूजन आ गई है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई है, लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो गया है और उसके कारण पेशेंट को पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तब भी इस मेडिसिन को यदि हम देते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब शरीर में किसी भी इन्फेक्शन के कारण खुजली हो रही है, चट्टे हो गए हैं, या रेनी सीजन में किसी किसी को पित्ती की समस्या हो जाती है या छाले हो जाते हैं, और उसको इंग्लिश की भाषा में अर्टिकेरिया भी बोलते हैं, यदि इस तरह की समस्या खुजली के साथ बनी हुई है, तो भी यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। आपने नोटिस किया होगा कि महिलाओं में डिलीवरी के बाद बहुत टाइम तक कभी कभी फीवर बना रहता है, उसे हम प्यूपेरियल फीवर कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में भी यदि एचिनेशिया दी जाती है तो उस महिला का फीवर बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। देखा जाए तो यह मेडिसिन हमारे पूरे शरीर पे ही काम करती है, क्योंकि यह ब्लड को प्यूरीफाई करती है, ब्लड से इन्फेक्शन को निकाल देती है, उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है और ऐसे ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है हमारे शरीर पर। इस मेडिसिन के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह होम्योपैथिक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, पेन हो, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे फिशर्स हो, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों। अब हम यह समझते हैं कि इस मेडिसिन को लेना किस तरह से है। दोस्तों, एचिनेशिया को यदि हम टिंचर फॉर्म में या क्यू फॉर्म में लेते हैं तो यह अपना बेस्ट रिजल्ट देती है। इस मेडिसिन की 8 to 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर सुबह लेनी है और शाम को लेनी है, तो यह हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करने में बहुत अच्छा काम करेगी दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।